नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार नवजात शिशु गर्भवती माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन छतरपुर में आला अधिकारी की मनमानी के चलते जरूरतमंदों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला ईशानगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पठादा का है। आंगनबाड़ी केंद्रों से ये मामला सामने आया, जहां पर शारदा तेजस्विनी महिला स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रासायनिक खाद की बोरी में अपर्याप्त मात्रा में तिलुरा और सूड़ी युक्त दलिया का वितरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, निर्धारित मेन्यू के आधार पर खाद्यान्न का वितरण भी नहीं किया जा रहा। बच्चों का सपना पूजा भूल गई कच्चे से अगर समाज को रोल कैसे करता है क्या कर रहा है? हर मंगल यह मदद के संबंध में क्या तो मतलब ये लगाता है तो पन्ने लगा दिए उसको किसने बताया था आपको? क्यों बता दो पन्ने लगने लगे तो आप हमें ना बताओ उसको बता दो कितना मांगती हूँ मेरे बच्चे कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए? मंगल को मैं बता रहा हूँ आप मंगल छह सौ लाख रुपया। कितने बच्चों के लगभग हैं यहाँ पर आपकी यहाँ दल महिलाएं? छह में सुसुबा, छह में गर्भवती और सात आठ में सुसुबती। उनको क्या किस तरह से वितरण करते हैं? राशन राशन क्या क्या देती है? पानी दे रहा है, दलिया दे रहा है, बचा दे रहा है। तो एक महिला को कितना कितना देती हैं आप? अबे आप क्या सोच रहे हैं? क्या गिलास देती महिला ने? तो महिला स्व सहायता समूह की लापरवाही योजनाओं का किस तरह से योजनाओं को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है आपके सामने। दलिया वो भी कीड़े घुन जितना भी आप इसे खराब कह सकते हैं उस क्वालिटी का ये दलिया है और बच्चों को दिया जा रहा है। ये देखिए हद से ज्यादा कीड़े हैं उसमें और ये दलिया ईशानगर में महिलाओं को गर्भवती महिलाओं को शिशुओं को दिया जा रहा था। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे। सुरेंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं किस तरह से काम कर रहे हैं और महिला स्व सहायता समूह की तरफ से क्या उन्हें नहीं दिखाई दिया कि किस क्वालिटी का ये दलिया है जो गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को देने के लिए वो लेकर आए और बांटा भी जा रहा था? चलिए सुरेंद्र हमें शायद सुन नहीं पा रहे हैं, सर फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो ईशानगर से ये मामला सामने आया है जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्व सहायता समूहों की जो लापरवाही है वो सामने आई है और ये अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि कुपोषण का दंश झेल रहा मध्य प्रदेश क्यों आखिर ये कुपोषण खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि इस क्वालिटी का जो आहार पोषण है उन्हें पोषण आहार है वो दिया जाता है जिसमें जिसको खाने के बाद ना तो उनकी वो तंदुरुस्त होंगे ना उनके स्वास्थ्य लाभ होंगे बल्कि उल्टा ये लोग बीमार जरूर हो जाएंगे। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमें जानकारी देंगे। क्या वहां जो स्व सहायता समूह की महिलाएं थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनको दिखाई नहीं दिया कि दलिया किस क्वालिटी का वो महिलाओं को दे रहे हैं और ये कब से चल रहा है यहाँ पे, क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता? सुरेंद्र, जी